तो आम देखिए पे आर्ट सेक्शन कंपलसरी सेक्शन रे आपणकर एजुकेशनल अवेयरनेस जीके आउ टीचिंग एप्टीट्यूड फास्ट जीके देखूँ फास्ट क्वेश्चन आसती द फास्ट कोविड 19 वैक्सीन ऑफ इंडिया वाज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक इज कोवैक्सीन। भारत बायोटेक को कोविड 19 वैक्सीन डेवलप करथला कोवैक्सीन। तो आंसर होछ ऑप्शन सी। द पारासाइट दैट कॉजेस मलेरिया, मलेरिया पारासाइट जो कॉज करे ताको प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कॉजेस मलेरिया। इंडिया इज ए क्वासी फेडरेशन, ए स्टेटमेंट कहिछन्दि किए, दिस इज केसी वेरे। ऑप्शन सी। चेक कर दे निज आंसर शीट से तो प्रति सेट रे नंबर चेंज हो गोटे सेट रे कंपलसरी स्टार्ट आ गोटे सेट रे इंग्लिश जो आर्ट सेक्शन स्टार्ट तेनालीर जो सेक्शन क्वेश्चन अनुसार से आंसर मिलता। सर G20 कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर G20 1999 G20 वाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 1999। तो ऑप्शन बी मारे व्हिच वन ऑफ द इज ए साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साइलेंट फीचर कोटा नुहे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत में चले, प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोविजन तो अच्छी दैट इज ऑल्सो साइलेंट फीचर। बाकी दुटा ऑप्शन देखा सेक्युलर स्टेट भारत को साइलेंट फीचर ना डबल सिटीजनशिप कोटा हम ऑप्शन। तो आंसर इज ऑप्शन सी, डबल सिटीजनशिप इज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विथ रिगार्ड टू द नेम एंड पोजीशन आइडेंटिफाई द रॉन्ग पोजीशन। शशिकांत दास गवर्नर ऑफ आरबीआई ठीक अच्छे, विष्णुभूषण हरिचंदन थिले आंध्रप्रदेश गवर्नर चेंज हो जाइए एवं ओके छत्तीसगढ़ गवर्नर सी बर्तन। कमला हारिस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ठीक अच्छे, जेपी नड्डा प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी ठीक अच्छे। तो आंसर होगी ऑप्शन बी, बी इज ए रॉन्ग पोजीशन। व्हिच ईयर यूजीसी हाज बीन एस्टाब्लीश, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन केबे एस्टाब्लीश होता 1953 मसीह मौलाना अबुल कलाम आजाद इनॉग्रेट करते। मौलाना अबुल कलाम आजाद हाज बीन इनॉग्रेटेड यूजीसी ठीक अच्छे। भारत प्रथम शिक्षामंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जहाँ का जन्मवार्षिक नवंबर 11 को आम पालन करूँ नेशनल एजुकेशन डे हिसाब से ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिशन रिपोर्ट रेकमेंडेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम और पब्लिक ऑफ पब्लिक एजुकेशन। कॉमन स्कूल सिस्टम माने जो स्कूल रे प्राइमरी अपर प्राइमरी हाई स्कूल गोटे स्कूल रही सर यहाँ प्रथम थर पर करते कोठारी कमिशन जहाँ को आम कहूँ इंडियन एजुकेशन कमिशन 1964-66 जार चेयरमैन थे डीएस कोठारी दौलत सिंह कोठारी से समय यूजीसी चेयरमैन। सर ये जो अच्छी यूनिवर्सिटी कमिशन 1948-49 ये कौन रेकमेंड करता भारत में यूजीसी गढ़ा जाऊ, भारत में यूजीसी गढ़ा जाऊ जहाँ को आम कहूँ राधाकृष्णन कमिशन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमिशन तार चेयरमैन थे। सर ऑप्शन बी अच्छे जो सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन जहाँ को आम कहूँ मुदालायर कमिशन ओके। तापर चलतु क्वेश्चन नंबर 79। व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज कमिशन ऑफ इंडिया एनकेसी 2007। यहाँ गत वर्ष क्वेश्चन रिपीट हो साम पित्रदा, साम पित्रदा वाज द चीफ आईटी एडवाइजर ऑफ मनमोहन सिंह ड्यूरिंग मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर। सर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश इवाल टू इवालुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। कॉलेज और यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस को इवालुएट करे, इवालुएट करके ग्रेडेशन दिए से नैक कॉलेज मानक आप देखते नैक एक्रेडिटेड ए प्लस नैक एक्रेडिटेड बी प्लस से अनुसार यूजीसी ग्रांट दिए नैक ग्रेडेशन अनुसार यूजीसी विल बी ग्रांट, यूजीसी विल ग्रांट द फंड। नैक हेडक्वार्टर बेंगलोर साइंस पिला पड़ता नैक हेडक्वार्टर कौटी। तब रिजनिंग क्वेश्चन को छाड़ दिखाँ आम चलतु टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन को जी 91 देखते। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी सहित कौटा रिलेटेड नुहे, क्रिएटिविटी ओरिजिनालिटी तो रिलेटेड। तुम जब अन्य ओरिजिनल आंसर दो योर आंसर विल बी ऑब्वियसली क्रिएटिविटी, फ्लुएंसी भी क्रिएटिविटी सहित रिलेटेड, फ्लेक्सिबिलिटी भी क्रिएटिविटी सहित रिलेटेड, बट कन्फर्मिटी इज नॉट रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। सर कन्फर्मिटी मैंने कौन मो सांग जहाँ कहे मुझे करी तो आंसर हम ऑप्शन ए मैच कर निज आंसर सहित। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन आट द इंट्रोडक्शन स्टेज। पाठ जो आप स्टार्ट करते कौन से गोटे विषय कौटा गोटे इंपोर्टां काम नुहे। आसेसमेंट ऑफ एंट्री परफॉर्मेंस, हाँ सर आम एंट्री परफॉर्मेंस को पाला आसेस करपरिया जब मुझे स्टार्ट करुच्छे आज नुआ चैप्टर मन को सपोज मुझे स्टार्ट करुच्छे पाला सॉइल चैप्टर क्लास 8 पाला तो पूर्व सॉइल कनसेप्ट पढ़ी मुझे सॉइल बाबद किसी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पचारिपरि। आसेसमेंट ऑफ प्रीवियस नॉलेज, ऑब्वियसली प्रीवियस नॉलेज तो हम प्रीवियस नॉलेज आसेस करवा दरकार व्हाइल वी आर इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन। बट आसेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स ऑफ द टॉपिक बीइंग टॉट, लर्निंग आउटकम आम के आसेस करवा चैप्टर एंड नॉट बिफोर द टॉपिक, वी विल आसेस द लर्निंग आउटकम आट द एंड ऑफ द चैप्टर। रिलेटिंग द एसेंस ऑफ द टॉपिक, टॉपिक कौन पे आम पढ़ुचे कौन पे पढ़ुचे फास्ट टॉपिक रूप स्टार्टिंग आम पे जन दरकार जे ए टॉपिक रो इंपोर्टेंस कौन, ये आम कहीं पढ़ा, ये इंपोर्टेंट तुम लाइफ से जरूरी जन पे इंटरेस्ट भी बढ़ो
पे ट्राफिक व्यू को एंट्री करने सुविधा हो तले कही इंट्रोडक्शन कौटा गोटे बेटर वे नुहे तेनालीन दबो ऑप्शन सी। सर व्हिच टाइप ऑफ लर्निंग इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड एंड वैल्यू ऑफ द लर्नर। सर एटीट्यूड वैल्यू मनुष्य कौन जाए अफेक्टिव डोमेन में कॉग्निटिव जाए बुद्धि कॉग्निटिव साइकोमोटर दुटा जाक समान जहाँ को स्किल वर्क फिजिकल वर्क ये दुटा हूँ फिजिकल वर्क यहाँ हूँ थिंकिंग मनुष्य थिंकिंग रिजनिंग लॉजिक अंडरस्टैंडिंग परसेप्शन कन्सेप्शन ये हूँ कॉग्निटिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन कहे एटीट्यूड वैल्यू डिसिप्लिन इमोशन सबगुड़ाक तेनालीरु कह जाए मनुष्य हैंड आपको कह जाए हेड आपको कह जाए अफेक्टिव को कह जाए हार्ट बायोलोजिकली हार्ट आज नो कनेक्शन विथ इमोशन आम तक जोड़ी देखिए हार्ट हाज कनेक्शन विथ इमोशन हार्ट नहीं गला हार्ट मध दग गला ओके हार्ट हाज नो कनेक्शन विथ इमोशन बट अफेक्टिव डोमेन को कह जाए हार्ट। गांधीजी अनुसार एजुकेशन डेवलपमेंट मैंने 3 years डेवलपमेंट हेड हार्ट आउ हैंड्र डेवलपमेंट तो आंसर हम ऑप्शन ए अफेक्टिव एंड वैल्यू रिलेटेड टू कौन अफेक्टिव डोमेन। क्वेश्चन नंबर 94 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग टेक्निक इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर अराउजिंग इंटरेस्ट इन द लर्नर। लर्नर भितर इंटरेस्ट के पनिशमेंट तो इंटरेस्ट कदा भी पड़ेगा फीडबैक हो पाए कि ब्लेम लिखाई ब्लेम तो हेनी कदा भी लिखा है रेनफोर्समेंट। सर रेनफोर्समेंट रिवार्ड पाला इंटरेस्ट बढ़ाए तो आंसर हम ऑप्शन बी। सर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन इनवॉल्विंग ए प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड कौटा गोटे स्टेप नुहे एस्टिमेटिंग प्लानिंग रेकर्डिंग इम्प्लीमेंटिंग प्लानिंग तो हुए इम्प्लीमेंट भी हुए एस्टिमेटिंग एंड रेकर्डिंग या भितर कौटा बेटर ऑप्शन हम ऑप्शन हूँ ऑप्शन ए एस्टिमेटिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। ऑप्शन ए जो मैंने कर राइट आम जानचे प्रोजेक्ट मेथड फाउंडर होती विलियम किल पैट्रिक। सर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टीचिंग स्किल कौटा गोटे टीचिंग स्किल नुहे स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल ऑफ रिइन्फोर्समेंट स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन सर टीचिंग स्किल किए डिस्क्राइब कर एनसीईआरटी केते प्रकार टीचिंग स्किल दिया है 21 प्रकार तो 21 प्रकार भितर स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन जाउची स्किल ऑफ रिइन्फोर्समेंट भी जाउची स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन भी जाउची बट स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट ए टीचिंग स्किल एटा हो लर्नर स्किल तो आंसर हम ऑप्शन सी स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ ए टीचर एंड ए स्टूडेंट कमिंग लेट टू द क्लास। पिला जब लेट आस अवार्ड पनिशमेंट पनिशमेंट दबो सर पनिशमेंट को कहुए नेगेटिव वर्ड एंड टीचिंग पेडागोजी बिकज पनिशमेंट हाज बीन बैन बाय राइट टू एजुकेशन आक्ट 2009 अंडर द सेक्शन 17(1) पनिशमेंट हाज बीन बैन बैन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट कहे कौन फिजिकल पनिशमेंट मेंटल हरासमेंट डिस्क्रिमिनेशन। फिजिकल पनिशमेंट भी करा मेंटली हरासमेंट भी किसी कर पिला को कास्ट आधार में डिस्क्रिमिनेट भी करा डिस्क्रिमिनेट भी करा पिला जदि किसी पाठ करनी होमवर्क करनी ना सर करनी हाँ किसी नहीं बस पढ़ काली करें आसो है। क्वेश्चन नंबर 98 ए टीचर स्टेटमेंट ड्यूरिंग द टीचिंग दैट एनकरेजेस द स्टूडेंट टू एक्सप्लोर मोर फैक्ट इज कॉल्ड एज। अधिक फैक्ट उपर पिला जो डिस्कस करने पाने सब यू अलवेज एनगेज इन द लर्निंग प्रोसेस सब पिला एनगेजमेंट पिला बेस मैटर करें पिला जो पाठ पढ़ा एनगेज कर पाने बहुत सारा नुआ नुआ आइडिया डेवलप करेंगे। आंसर हम था ऑप्शन बी। सर स्वयं प्लाटफर्म जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल इनिशिएटिव 2017 चली स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड जोटा कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स आपंकर सबूक क्लास 9 रु आरंभ करी अप टू पीजी लेवल जिते सारा वीडियो कोर्स गुड़ाक स्वयं पोर्टाल अवेलेबल अच्छी जे जाएंगे स्वयं रजिस्टर्स करके देखिपारे। सर वीडियो गुड़ा क्या द्वारा रेकर्डिंग कराई एनसीईआरटी प्रोफेसर यूजीसीआर प्रोफेसर एम द्वारा रेकर्डिंग कराई तो फ्रॉम क्लास 9 टू पीजी लेवल आंसर हम ऑप्शन बी। स्वयंटा बेसी पॉपुलर होता कोरोना टाइम हाँ ये स्वयं 2.0 वर्सन आसला। सर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग सब सस्ता लेवल ऑफ टीचिंग कौन मेमोरी लेवल छुआ घोषेगा एस नो जोटा कि आम जनरल स्टडी जो हिस्ट्री जियोग्राफी करे सस्ता लेवल मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है घोषेगा चलो चल लेवल ऑफ टीचिंग सर तीन टा मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल मेमोरी लेवल है लोएस्ट लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल है हाइस्ट लेवल। सर मेमोरी लेवल किए देखते हॉबर्ट स्पेंसर अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन रिफ्लेक्टिव लेवल हंट जो मैंने भी जो अकॉर्डिंगली आंसर करते आर्ट्स पाला कैंडल निज आंसर शीट को चेक कर दिंतु मिले दिंतु आंसर करूँ तुम कैसे मार्क रोचे कमेंट बक्स में जनवे जो एजुकेशन अवेयरनेस जीके और करंट अफेयर सेक्शन जो आम टीचिंग अफ सेक्शन में तुम कैसे मार्क स्कोर कर आर्ट्स कमेंट बक्स में जनाता आम एनालीसीस करवा ह्वाट विल बी सेफ स्कोर ह्वाट विल बी सेफ कटअप तो थैंक्स फर व्वाचिंग विद्यासर क्लासेस थैंक यू एवरीवन।